हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और यूपीएससी सीसेट की आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, आजकल वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है एग्जाम के अंदर। दैट मीन्स कि सिंपल क्वेश्चन होते, कोई भी स्टेटमेंट गिवन होती है सिंपल सी, और आपको उसके ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो इसी तरह की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो सभी वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं कि अगर वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर आती है तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके क्या कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए आपके बिल्कुल छोटे छोटे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि हाँ जी मुझे स्क्वायर क्यूब के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे पास में। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है। इसके अलावा आपके फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फ्रैक्शंस पे कैसे काम करना है। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। और आ सकता है आपके पास में परसेंटेज। इन्हीं सभी को कंबाइन करके कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बन जाता है, ओके। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए किसके लिए, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम के अंदर आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ तो क्लियरिटी आपकी उससे बन जाएगी, ठीक है। और बाकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। सो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास? सुखीराम प्लांट्स 15,376 ऑरेंज ट्री इन ए गार्डन एंड अरेंज देम सो दैट देयर आर एज मैनी एज रोज एज देयर आर ऑरेंज ट्री इन ईच रो। अब उसने क्या कहा कि जितने रो हैं उतने ही रो के अंदर ट्री होने चाहिए। यहाँ पे वर्डिंग्स को ध्यान से समझना है, ठीक है। कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो कह रहे बताओ कितनी रोज होंगी, कितनी रोज होगी। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझते हैं। अगर मैं मान के चलती हूँ भाई पांच रो है उसके पास में, ठीक है, फाइव रोज है, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसने साथ में क्या कहा, सो दैट देर आर एज मैनी एज रोज एज देर आर ऑरेंज ट्री इन ईच रो, जितने की हर एक रो के अंदर है। पांच रो है तो पांच ही ट्री है, पांच ही ट्री लगा देते, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। ओके, कितने ट्री बने टोटल, टोटल कितने ट्री हुए, 5, 5, 5 या 25, दैट मीन्स कि 25 ट्री, टोटल ट्री कितने बने, 25। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट कहा है कि जब भी अपने पास में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई जितनी रो उतने ही ट्री, या जितने नंबर ऑफ पर्सन उतनी रो, मीन्स कोई इस तरह का हमारे पास में वो आता है, तो उस केस में हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करना है कब, अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट। क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करो तो भी आपने स्क्वायर रूट करना है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि एक रो के अंदर कितने ट्री हैं, तो भी आपको स्क्वायर रूट ही करना है, क्योंकि दोनों सेम है, ओके। तो क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट करेंगे। तो अब यहां से मुझे पता चल गया कि क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट करना है डर। तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट जल्दी से बताओ कितना आएगा। हाँ जी, जल्दी से सभी के सभी फाइंड आउट करेंगे कि स्क्वायर रूट कितना आएगा। स्क्वायर रूट सभी को फाइंड आउट करना आता है, इतना तो मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्क्वायर रूट तो सबको आता है ना फाइंड आउट करना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट सभी फाइंड आउट करेंगे, किसका स्क्वायर रूट बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास में, दिस विल बी 124, ओके। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, 124 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ जी, कैसे बना, 12, 12, 144, ठीक है, और 4, 4, 16 कितना बन गया, 124। क्लियर है सभी को, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, डन। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर रूट बेटा करवाने की जरूरत है आप लोगों को, आई होप सभी को आता है। अगर फिर भी लगता है कि हाँ जी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, स्क्वायर, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना सभी ने, बट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये सभी आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन, कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स,
the number of boys and girls participating in annual sport in the ratio of 3:2 respectively. अब कह रहे हैं कि total students कितने हैं? 60. अब उसके अंदर से boys और girls जिन्होंने participate किया वो किस ratio में है? 3:2 के अंदर. जिन्होंने participate किया है boys and girls किस रेशियो के अंदर है बेटा? 3:2 में. जो भी कुछ गिवन है. आगे क्या है? द नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज नॉट पार्टिसिपेटिंग. अब ये कौन है? पार्टिसिपेट करने वाले. अब उसने क्या कहा? नॉट पार्टिसिपेटिंग, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है. कितने हैं द गर्ल्स? कितनी है? 5 ज्यादा है. 5 ज्यादा. अगर मैं कहूं कि भाई नॉट पार्टिसिपेटिंग वाले कितने हैं? बॉयज कितने हैं हमारे पास? x. तो गर्ल्स कितनी होगी हमारे पास? हाँ जी, x प्लस 5. यही क्या है? स्टेटमेंट को समझो मेन तो. ओके, अब उसके बाद में क्या करें? इफ द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट इज 15, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो कितने हैं? 15 है. तो बताओ हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास. तो बताओ गर्ल्स कितनी है क्लास के अंदर, ये आपको बताना है. ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. क्या है आपके पास? टोटल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स गिवन, उनकी रेशियो गिवन है बॉयज एंड गर्ल्स की. फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट कि जितने कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है. अब अगर हमारे पास में ये आ गया कितने ने पार्टिसिपेट किया, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और उसके बेस पे हमारे पास में गर्ल्स आ जाएंगी. क्लियर? तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है, दैट मीन्स की 3 5 15 एंड 2 5 10, दैट मीन्स कि 10 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, 10 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है और 15 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया. तो टोटल पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया? 25 ने. कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? टोटल कितने थे? 60 के अंदर से अगर मैं 25 को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. ये हमारे कौन से कैंडिडेट्स हैं? जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. कितने हो गए? x plus 5 is equal to 35. That means x is equal to 35 to 15. That means कि 15 बॉयज ने पार्टिसिपेट नहीं किया और 20 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया. नाउ व्हाट इज आवर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी है? हाँ जी, गर्ल्स कितनी है? 10 तो बेटा ये होगी, 20 ये होगी, टोटल कितनी होगी? 30. दैट मीन्स कि आंसर कितना आ गया? 30. तो इस तरह से देखो क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन कोई मुश्किल था नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. बट अगर आपने को रेशियो का पता है कि हाँ जी ये पर्टिकुलर गिवन है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, तो स्टेटमेंट में नहीं उलझना. यूपीएससी के अंदर मेनली स्टेटमेंट में उलझाते. पिछली बार वो पेट्रोल वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आपने देखा है 2021 के अंदर जो पेट्रोल वाला जो क्वेश्चन आया था, पेट्रोल डीजल वाला, तो उसके अंदर काफी स्टूडेंट्स ने वो रॉन्ग किया था. डिस्कस किया था मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर उसको. हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जर्नल विशेस टू ड्रॉ अप 3651 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर. After arranging them, he found that some of them are left out. कह रहा कुछ बच गए. उसने क्या किया? उसके पास में कुछ soldiers थे, तो उन्होंने इसको square के form में arrange कर लिया. अब क्या कह रहा है? उसके बाद में भी कुछ बच गए. Then how are left? तो बताओ कितने बचे? अब यहाँ से मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ जी मुझे करना क्या है. अब देखो, उसने कहा कि square form में लगाना है. That means कि equal होने चाहिए. इक्वल रो, इक्वल जितनी रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स पर्टिकुलर रो के अंदर होना चाहिए. दैट मीन्स कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जितने बंदे आ गए वो तो उसके रो के अंदर आ गए, जो बच गए वो रिमेनिंग रह गए. तो यहाँ पे देखो कि कितने बच गए. तो स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. बट दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, तो इसमें देखेंगे कि जो स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहे उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, कैसे निकालते हो आप स्क्वायर रूट? ऐसे निकालते हैं बेटा. कितना आ गया? 2. ये आ गया आपके पास में 9. फोर 81, ये हो गया हमारे पास 38. 1 से जाएगा, कितना बन गया आपके पास में? 100. कितना बच गया बेटा? 100 बच गया. ठीक है, दैट मीन्स कि जो 100 हैं वो कौन से हैं? 100 हैं वो कौन से हैं? जो रिमेनिंग है. दैट मीन्स कि 191
वन रोज के अकॉर्डिंग उसने उतने सोल्जर्स को तो अरेंज कर दिया 191 रोज के अंदर, एक एक रो के अंदर 191 सोल्जर्स को लगा के, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए उसके पास में 100। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में ये भी हो सकता था कि बताओ कितने रोज बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, सॉलिड स्क्वायर के अंदर कितनी रोज कितने कॉलम बनेंगे, तो वहां पे अपने पास में आंसर क्या होता, 191 होता। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले तो स्टेटमेंट को समझो, अगर वो मुझे क्लियर है उसके बाद में देखो कि मेरा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि बताओ कि नंबर ऑफ रोज कॉलम कितने हैं, तो कितने होंगे 191। डन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइज ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। चार्जेस कैसे लग रहे, एक तो फिक्स चार्ज है उसका और साथ में क्या कह रहे, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्जेस ले रहा है। ओके, फॉर ए जर्नी ऑफ 16 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 156 एंड जर्नी ऑफ 24 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 204, देन व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे कवर करेगा। ओके, तो उसके लिए आपको चार्जेस बताने, तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए कि भाई दो यहाँ पे वेरिएबल है, वन इज फिक्स चार्ज और एक क्या है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहूँ कि फिक्स वाले का जो चार्ज है हमारे पास में, फिक्स के लिए एक्स है और जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है वो है हमारे पास वाई। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट देखूँ तो उसने क्या कि 16 किलोमीटर के लिए चार्जेस कितना है बेटा 156, दैट मीन्स कि फिक्स तो एक्स हो गया और 16 किलोमीटर है तो कितना हो गया 156, यही कहा है उसने। साथ में क्या कह रहा है कि 24 किलोमीटर के लिए चार्जेस कितना है 204 रुपए, 24 किलोमीटर के लिए, दैट मीन्स फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, प्लस 24 किलोमीटर के लिए कितना हो गया बेटा 204। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ गया, ये हो गया बेटा अपने पास में 14 में से 6 गए तो 8, 9 में से 4, y की वैल्यू हो गया आपके पास में 8 × 48, 6 आ गया, ठीक है। हाँ जी, y की वैल्यू आ गई आपके पास में, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, 30 किलोमीटर के लिए कितना होगा, तो 30 के लिए कितना होगा, हाँ जी 30 के लिए कितना हो गया x, x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, x कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया आपके पास में 96 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बेटा आ गया आपके पास 60 आ गया, 60 आ गया ना, हाँ जी। तो ये देखिए अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x प्लस 30y, 30 किलोमीटर है, x तो फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस कितना आया अपने पास में 60 प्लस 30 इंटू 6, दैट मीन्स कि 180, कितना बन गया 240, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 240 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताओ, कोई डाउट इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे सभी, कुछ नहीं है बेटा, जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग उसको समझते चलो, ठीक है, नोट डाउन करते चलो पॉइंट्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ठीक है ना, फिर उसके बाद में उसको सोल्व कर लो। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब एक और बात भी है कि आप ना क्वेश्चन को ऑप्शन के तरह भी कर सकते हो, कई बार ना एग्जाम के अंदर क्लिक नहीं कर रहा होता माइंड में कि हाँ जी यार क्या बन रहा है हमारे पास में, इसके अंदर मैं इक्वेशन बनाऊं कैसे करूं, तो उस केस के अंदर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि ऑप्शन चूज करके ना कि हाँ मेरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जोन सी ऑप्शन करेक्ट आ रही है वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो हेयर व्हाट इज द क्वेश्चन, अरुणा कट ए केक इंटू टू हाफ्स, केक को काट लिया टू हाफ्स के अंदर, अच्छा नहीं बना ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्या कह रहा है, एंड वन हाफ इंटू स्मॉलर पीसेज ऑफ इक्वल साइज। अब एक तो हाफ है ये तो एज इट इज रह गया, और एक हाफ का क्या किया उसने छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट लिया, एंड स्मॉल पीस ऑफ 20 ग्राम्स इन वीट, सारे कितने के 20 ग्राम्स के, इफ शी हैज 7 पीसेस ऑफ द केक ऑल विद हर, कह रहा टोटल उसके पास कितने पीसेज है 7 पीसेज है। अब 7 पीसेज कैसे होंगे बेटा, एक तो ये बड़े वाला और 6 छोटे वाले, छोटे वाले दैट मीन्स की 1 2 3, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं,
हो गए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, टोटल कितने बन गए 7 पीसेस हो गए। ओके अब उसने कहा कि बताओ हाउ हैवी वाज द ओरिजिनल केक, ओरिजिनल केक कितना हैवी था। अब ये जो एक छोटे वाला पीस है कितने का है, उसने कहा 20 ग्राम का। अब इसको आप दो तरह से कर सकते हो, अब मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो वैसे ही डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये जो 6 पीस है ये कितने के हो गए 120 ग्राम के, और ये तो बराबर ही था तो दैट मींस ये भी 120 ग्राम का हो गया, टोटल कितना हो गया 240 ग्राम्स। ओके क्या आ जाएगा 240 ग्राम्स। दूसरा अगर इक्वेशन की फॉर्म में करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हो। अब मैं कहूँगी भाई जो टोटल है, टोटल मेरे पास में कितना है एक्स ग्राम का है मेरा केक। ओके अब उसने क्या कहा कि ये जो छोटे वाला पीस है ना, ठीक है वो कितना है 20 ग्राम्स का है। अब पहले इसका हाफ किया, हाफ का कितना कर दिया 6 हिस्से करें दैट मीन्स कि 1/6 एंड दिस इज इक्वल टू 20, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 240। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हो, बिकॉज हर एक बंदे का दिमाग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चलता है और एग्जाम में हम कैसे सोच रहे हैं वो डिपेंड करता है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बुल्स आई ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड ए स्पोर्ट मीट फॉर स्टूडेंट्स वेयर 1/5 ऑफ गर्ल एंड 1/8 ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड। 1/5 ऑफ गर्ल एंड 1/8 ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड। वट वॉज द टोटल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड एक्चुअली टेकन पार्ट, कह रहे जिन्होंने एक्चुअल में पार्ट लिया था कितने थे। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास में वैल्यू गिवन नहीं है, ना हमें ये पता है कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में क्या रिलेशन है, या कोई रेशियो गिवन होती है कुछ भी है, तो उस केस में तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो डोंट हेजिटेट टू आंसर कि कांट बी डिटरमाइंड डाटा इनएडिक्वेट, सीधा आंसर करो क्या आ गया डाटा इनएडिक्वेट, कैसे निकालेंगे हो ही नहीं सकता। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ए ग्रुप डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मैनी पैसे फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप एज नंबर ऑफ मेंबर्स। अब देखो इसी तरह का मैं पहले क्वेश्चन करा चुकी हूँ आप लोगों को, जितने लोग उतने ही पैसों का कलेक्शन, जितने लोग उतने ही पैसे। इफ द टोटल कलेक्शन अमाउंट इज 59.29 रुपीज द नंबर ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप, आपको नंबर ऑफ पर्सन बताने, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर भी था, जब भी इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसमें नंबर ऑफ उतने ही एज मैनी एज ये वाली जो वर्ड आ जाए तो सीधा समझ रहे भाई स्क्वेयर रूट करना है हमने, तो क्या करेंगे स्क्वेयर रूट करेंगे। अब ये तो पॉइंट में आ रहा है बट ये रुपीज है, उसने क्या कहा है पैसे, क्या करोगे पहले उसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा 5929 पैसे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वेयर रूट करेंगे, जब आप इसका स्क्वेयर रूट करते हो तो स्क्वेयर रूट कितना आएगा, हाँ जी स्क्वेयर रूट कितना आएगा बेटा 77। क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट, आंसर कितना आ जाएगा 77, देखो ना 77 ही आएगा ना 7 के टेबल से जा रहा है 7, 7 जा 49 10 बच गया, ये आ गया हमारे पास में 7 × 14 कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दैट मींस कि 77 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके 77 पर्सन है और सभी ने 70-70 पैसे ही दिए हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इफ वन इज एब्सेंट द पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, तो 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एंड इफ 2 आर एबसेंट देन कितने में डिवाइड होगा 7-7 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, करिए ट्राई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे सभी एक बार। उसने कहा है कि अगर एक एबसेंट है तो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो आप ऑप्शन में से भी कैसे करोगे, एक माइनस करके देखो 6 से डिविजिबल कौन सा है, अगर मैं इसके अंदर से एक माइनस करती हूँ 6 से डिविजिबल है नहीं है, इसमें से ये भी नहीं है ये भी नहीं है सिर्फ ये है, तो आंसर क्या आ गया 37।
ओके ये तो हो गया बेटा ऑप्शन से। दूसरा है कि मैं देखती हूँ कि इक्वेशन बना के, तो उसने क्या कहा कि अगर मैं 6 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ, कब, अगर मैं एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो, अगर मैं कहती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स है, एक मैंने माइनस किया तो 6 के अंदर पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर से 2 माइनस करती हूँ तो 7 के अंदर पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, डिफरेंस दोनों के अंदर कितने का है, 1 का, पहले 6 में हो रहा फिर 7 में हो रहा है, ओके सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, दिस इज 7x माइनस 7 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, ओके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हो गया 5 के अंदर से माइनस किया 37, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 37 विल बी द करेक्ट आंसर, 37 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ जी बताइए, कोई इसमें डाउट? तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे कर लेंगे सभी कर लेंगे बेटा, ओके नेक्स्ट देखो। चलो अब ये इसका आंसर करो, फिर कोशिश करिए सभी, क्या आ रहा है। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड मोर फॉर दिस पर्पज, कह रहा और कितने प्लांट्स की जरूरत होगी। अब इसके अंदर दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, क्या कि कितने बच जाएंगे अगर हम रोज कॉलम के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो कितने रिमेनिंग रहेंगे, और एक रह गया कि कितने की और जरूरत पड़ेगी, देर आर टू क्वेश्चन, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 1000 है, अभी तो बिल्कुल ही आसान हो गया। पहले ये देखो कि 1000 के नियर बाय अपना स्क्वायर रूट कितना बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर 10, हाँ जी स्क्वायर पता है ना सभी को, जल्दी से एक बार परफेक्ट स्क्वायर देखो, हाँ जी देखिए क्या होता है अपने पास में, 32 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, 1024, कितना बनेगा 1024, दैट मीन्स कि 1000 मेरे पास में है, 1000 के नियर बाय स्क्वायर्स देखने हमने, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, दैट मीन्स कि 24 की हमें और जरूरत पड़ेगी, 24 की जरूरत और पड़ेगी, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। डन, हाँ जी बताइए, नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ जी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सी सेट, अगर उनको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल की प्रिपरेशन करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं हमें अभी टाइम कम है, मुझे सिर्फ क्वांट के अंदर इशू आ रहा है, इन दैट केस आप क्वांट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अवेलेबल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश वाला पार्ट तो मैं कर लूँगी बट मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इशू आ रहा है, इन दैट केस आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो ओनली, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर कर लूँ, तो आप लॉजिकल रीजनिंग का मॉड्यूल प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश का मॉड्यूल कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि हाँ जी मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो इन दैट केस आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, सभी अवेलेबल है। कैसे, देखो बेटा 3 पार्ट के अंदर है, जो है एक हो गया हमारे पास में कंप्लीट कोर्स क्रैश कोर्स, मीन्स जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर हो रहा है, दूसरा अपने पास में मॉड्यूल वाइज, दैट मीन्स क्वांट लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश, एंड थर्ड पार्ट इज माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज दैट मीन्स कि सिंगल टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आप नंबर सिस्टम ले सकते हो, नंबर सिस्टम कि वीडियो लेक्चर्स आपने लेने, वीडियो लेक्चर्स लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लो, स्टडी नोट्स की जरूरत है, स्टडी नोट्स ले सकते हो, सभी कंबाइन लेना वो ले सकते हो। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे ना ये जैसे अभी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं सिंप्लीफिकेशन के, सिंप्लीफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आप सिंप्लीफिकेशन ले सकते हो, सिंप्लीफिकेशन के ही आपकी ये अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर मिलेंगे बेटा क्वेश्चंस। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, अर्थमेटिक रीजनिंग का पार्ट है, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो आप अर्थमेटिक रीजनिंग का पार्ट ले सकते हो, ओके। जिसको इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है ना वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर है, तो आप वहां से इसको ले सकते हो,
ओके तो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, साथ में ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है। इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है आप ले सकते हो। उसके लिए कहाँ जाना है, हमने माइक्रो कोर्सेज पे जाना है। ओके कहाँ जाओगे सभी, माइक्रो कोर्सेज पे। मॉड्यूल तीन बात है, दोबारा से बता रही हूँ, वन इज कंप्लीट, सेकंड वन इज मॉड्यूल एंड थर्ड वन इज माइक्रो कोर्सेज। ओके इनकम्प्लीट यू गेट फुल सिलेबस, क्रैश कोर्स इसके अंदर स्पेसिफिक सिलेबस है टू क्वालिफाई योर एग्जाम। ओके जिसके अंदर कम टाइम के अंदर आप अपना कवर कर सकते हो, दैट इज क्रैश कोर्स। उसके बाद आ जाता है मॉड्यूल, मॉड्यूल दैट मीन्स की क्वांट लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश। ओके माइक्रो कोर्स दैट मीन्स सिंगल सिंगल टॉपिक, यू हैव फुल फ्रीडम, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे लो। एक बार आप एक्सप्लोर करके देखिए, आपको बेहतरीन मटेरियल मिलेगा यहाँ पे, जितना स्टडी मटेरियल है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलने वाला है। ओके सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।